गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का कंपोजिशन ऑफ यूरिन। जैसा कि अपन ने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन देख लिया था, यूरिन फॉर्मेशन देख लिया था, यूरिन कैसे बन रहा है। अब यूरिन जो बन चुका है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी जो बॉडी से बाहर निकलेगी, ठीक है, वो आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है 95% जो है इसके अंदर वाटर ही होता है। नेक्स्ट यूरिया, यूरिया कहाँ से आता है? ये आता है अपने प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन उसके मेटाबॉलिज्म के बाद एंड प्रोडक्ट बनता है उसका, एनर्जी वगैरह बन गई, अभी वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में होता है यूरिया, ठीक है, वो होता है, इसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसके अंदर कौन कौन से होंगे, पोटेशियम है, H+ है, ठीक है, और अगर ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड है अपनी बॉडी के अंदर तो वो भी निकल सकते हैं, बाइकार्बोनेट है, ये तत्व, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिन के अंदर क्या होगा, 95% वाटर, यूरिया होगा, यूरिया कहाँ से आया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से आता है ये प्रोटीन हुआ। उसके उससे क्या बनेगा, अपन ने जो प्रोटीन खाई उससे एमिनो एसिड ब्रेक डाउन होगा, उससे अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कौन, लीवर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम H+ है, या अगर ज़्यादा मात्रा में सोडियम है तो निकलेगा, अदरवाइज सोडियम अपने बॉडी के लिए लाभदायक है, और बाइकार्बोनेट है, ये pH एसिडिटी के हिसाब से निकल जाते हैं। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड कहाँ से आया, ये भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ही आता है, प्यूरिमिडीन जो आपने पढ़ा होगा DNA RNA के अंदर 12th वगैरह में, ठीक है। और क्रिएटिनिन भी ये अपने जो मसल से आता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से ही बनते हैं। और अमोनिया, ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स है अपनी बॉडी से बाहर निकालना इनको बहुत ही आवश्यक है। तो यूरिन के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया और कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम है, H+ है, सोडियम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो आवश्यक होंगे ये दोनों, ठीक है, और बाइकार्बोनेट वगैरह ये चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमोनिया, ये चीज़ें होती हैं, ये इसकी कंपोजिशन है। नेक्स्ट यूरिन के बारे में लिखना है, यूरिन के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट कि 24 घंटों में 24 आवर में पर डे में एक एडल्ट एक वयस्क कितना यूरिन पास आउट करता है, कितना यूरिन बनता है उसके अंदर, तो वो बात करते हैं एडल्ट वुमन की बात कर रहे हैं। एक्सक्रीट या एक्सक्रीट मतलब बाहर निकालना, कितना एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट 1 से 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, कितना निकाल यूरिन जो है एक्सक्रीट करता है, 1 से 1.5 लीटर एवरेज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन के यूरिन जो है ना वो पेल येल्लो कलर का होता है, यूरिन पेल येल्लो कलर का होता है, पेल येल्लो हल्का पीले कलर का होगा, अगर ज़्यादा ऑरेंज कलर का या ज़्यादा डार्क कलर होता है इसका मतलब क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कमी है। नेक्स्ट कितना यूरिया एवरेज, यूरिया जो है लगभग 25 से 30 ग्राम पर डे,
एक्सक्रीट करती है, ठीक है। खाद्य कितना यूरिन, एक से डेढ़ लीटर, तेल येलो कलर का होता है, 25 से 30 ग्राम पर डे एक्सक्रीट करती है यूरिया। यूरिया जो है अपनी बॉडी से निकालना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। यूरिया बहुत ही टॉक्सिक होता है, जहरीले पदार्थ पाए जाएंगे, टॉक्सिसिटी कॉज करता है ज़्यादा हुआ तो। पीएच कितनी होती है इसकी, पीएच हो जाएगी इसकी 4.5 to 8 के बीच में होती है। ठीक है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ये ऐसा मान लो चाहे पीएच 6 निकलो चाहे एवरेज, ऑन एन एवरेज 6 कर लो, पीएच 6 मान लो, ठीक है। पीएच इसकी 6 लिख लेना, एवरेज लिखना, अपने बॉडी बुक्स में लिख ली 4.5 to 8, मतलब एवरेज लिख लो 6, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक कैसा होता है, यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0002 1.025। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हो जाएगा कि यूरिन के अंदर सॉलिड पदार्थ कितने हैं, ठीक है, सॉलिड पदार्थ कितने हैं, तो इसकी ग्रेविटी होती है 1.01021.025। ठीक है, ये यूरिन के बारे में 4-5 पॉइंट काफी है तुम्हें। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद किडनी के फंक्शन, GFR ग्लो मैनेजमेंट फिल्ट्रेशन रेट किसके द्वारा कंट्रोल होती है या रेगुलेटेड बाय, ग्लो मैनुअल फिल्ट्रेशन रेट मैंने क्या बताया था, जो ब्लड फिल्टर हुआ है, ठीक है, जो छना है, जो छना हुआ पदार्थ है, उसके ऊपर ने क्या बोला था, ग्लो मैनुअल फिल्ट्रेट, वो प्रति मिनट कितना आ रहा है, कितनी दर है, वो कहते हैं अपन ग्लो मैनुअल फिल्ट्रेशन रेट। तो किसके द्वारा ये कंट्रोल होती है, अपनी बॉडी की कौन कौन सी मैकेनिज्म जो है वो इसको कंट्रोल करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। सबसे पहले है एंटी डायबिटिक हॉर्मोन ADH, एंटी डाइम्यूरेटिक हॉर्मोन, ठीक है, इसके द्वारा होती है, जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये एक हार्मोन। दूसरा किसके द्वारा रेगुलेट की जाएगी, एंडोस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन भी मैंने बता दिया था एंड्रेनल ग्लैंड के अंदर
ये हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, बाय एड्रिनल ग्लैंड। ये कैसे काम करते हैं मैंने बता दिया आपको ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। ये दोनों हार्मोन उसके अंदर देख लेना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरा बाय रेनिन, रेनिन हार्मोन होता है। रेनिन जो कौन सीक्रेट करते हैं? बाय रेनिन। रेनिन ये किडनी के द्वारा ही होता है सीक्रेट। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है अपने बाय राइट एट्रियम, कितना गाढ़ा बनेगा, कितना पतला बनेगा, कितना ज़्यादा बनेगा, कितना कम होना चाहिए, कब बनना चाहिए कब नहीं, तो उनका जो बनने का जो ये प्रक्रिया किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? चौर ये जो चार हार्मोन दिख रहे हैं इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। सबसे पहले एंटी डायबिटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, ये क्या करता है? ये कहाँ जाके अटैच होगा? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स का। ये क्या करेगा? वाटर को वापस लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन बाय एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। ये क्या करेगा? वाटर और सोडियम क्लोराइड को वापस लेगा, ठीक है। रेनिन ये किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होती है, जस्ट ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन वगैरह नेफ्रॉन एपरेटस होता है उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो ये ग्लोमेरुलस के सेल्स है, ये कुछ सेल्स होते हैं, मैं इतना डीपली बताऊँगा, शॉर्ट में समझो किडनी के द्वारा ही होती है रेनिन। लास्ट रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्ट, ये सिस्टम होता है लास्ट सिस्टम, वो कल मैं बताऊंगा उसके बारे में कुछ आपको, तो उसके द्वारा होते हैं। ये भी क्या करेगा? जब वाटर की कमी हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर तो उस टाइम ये काम करता है, ठीक है। और एट्रियल नेटरी यूरेटिक पेप्टाइड ये भी यही काम करता है अपने अंदर, जो बॉडी के अंदर जब वाटर की कमी हो जाती है तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर वगैरह जो है उसके हिसाब से, ब्लड प्रेशर मान लो कम हो गया है तो उसके जब ये क्या हो जाए, चारों सिस्टम जो है एक्टिवेटेड हो जाएंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करेंगे ये कम कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा? यूरिन गाढ़ा होगा और पानी वगैरह जो है वाटर अपनी बॉडी से ज़्यादा नहीं निकल पाए, ठीक है। ये बचाव प्रक्रिया होती है, चारों जो हार्मोन्स है ना अपनी बॉडी को बचाव करेंगे, किसके लिए? ताकि वाटर जो है अपनी बॉडी से निकले नहीं, वाटर जो अपनी बॉडी से है जो है वो बाहर नहीं निकले। इलेक्ट्रोलाइट है जो आवश्यक चीज़ें हैं ना, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट, बाकी यूरिया यूरिक एसिड तो निकालना ही है अपने को, ठीक है। जो बचा क्या? वाटर, वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? जो अपन पानी नहीं पी रहे हैं लेकिन यूरिन जो है लग रहा है किसी बीमारी की वजह से, या मान लो किसी चीज़ की वजह से अपने को यूरिन लग रहा है ज़्यादा और सोडियम वगैरह भी बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा? अपने बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो ये क्या होगा? चारों सिस्टम जो है ना एक लेवल जब वाटर का कम होने लग जाता है ना, उसके बाद ये चारों एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जिस और ये कहाँ जाके काम करते हैं? किडनी पे, ठीक है, नेफ्रॉन पे जाके काम करते हैं। जिससे क्या होगा? वहाँ पे यूरिन वाटर वगैरह बाहर निकल रहा है, वहाँ से क्या होगा? यूरिन से वापस वाटर ज़्यादा ज़्यादा अंदर ले लेते हैं वापस, जिससे क्या होगा? यूरिन गाढ़ा होगा,
ठीक है, यूरिन जो यूरिन के साथ वाटर कम निकलेगा अपनी बॉडी के अंदर, वापस वाटर आ जाता है, जिससे क्या होगा वाटर जो है अपनी बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, अब वाटर की कमी नहीं हो पाती है।